पुस्तक दतेश एक शादार और यहाँ पर नवीन नाइक द मैन ऑफ द मैच ऑफ द लास्ट मैच रामनाथ लेन वर्सेस वेद मोटर्स सूरज राणे रिसीविंग द मैन ऑफ द मैच संजील नाइक Will present this. <laughs> Congratulations, Suraj Rane, for, for your performance. Thank you very much, guest. And there is a 500 rupees additional <laughs> amount. और इसी बीच दत्तेश अपने और के अगली गेंद लेकर सामना और उस प्रीतेश ने खेल दिया हल्के हाथों तो से मेड ऑफ की तरफ एक, एक रनों के लिए और इसी बीच सॉरी द मैन ऑफ द मैच इज़ मोटर्स बैक टू द कमेंट्री बॉक्स और यहाँ ऐसा बड़े मुकाबले में दत्तेश अपने ओवर की अगली गेंद लेकर सामना कर किशन और एक बार यॉर्कर गेंद और उसे हल्के से खेल दिया पीछे की तरफ एक रन तो आसानी से पूरा किया किशन दूसरा रन चाहते थे सिर्फ एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को और इसी एक रन के बदौलत स्कोर आगे बढ़ चुका है दो रन एक विकेट के नुकसान पर और हमारे यहाँ पर नवीन नाइक ने एक प्राइज रखा है फाइनल तक वो प्राइज जाएगा कि हैट्रिक विकेट या हैट्रिक छक्का कोई भी लगाएगा तो उनको हजार रुपए का इनाम इसी बीच और एक एज और एक झटका लगता हुआ मथुरा के रूप में दो बड़े बल्लेबाज को पेविलियन में भेज दिया है दतेश ने एक ऐतिहासिक गेंदबाजी मानी जाएगी दत्तेश दौरा इसी के साथ तो दो रन पर दो सफलता हासिल कर लिया हुआ पर दत्तेश ने और, और... एक ओवर के बाद कुल मिलाकर स्कोर है दो रन दो विकेट के नुकसान पर काफी तारीफ गेंदबाजी मानी जाएगी क्योंकि दो उच्च कोट के बल्लेबाज को में वापस भेज दिया है इस बड़े मुकाबले में इस उच्च कोटि की गेंदबाजी दिखाते हुए दत्तेश एक जाने माने गेंदबाज और सभी बल्लेबाज बड़े बड़े बल्लेबाज को खामोश रखने में कामयाब आज वहां पर शुगार योद्धा के दत्तेश द्वारा और स्ट्राइक पर खेलेंगे संजेल और नॉन स्ट्राइक पर और सॉरी स्ट्राइक पर खेलेंगे किशन और नॉन स्ट्राइक पर संजेल और गेंदबाजी में नए गेंदबाज रुपेश जो कि अब तक काफी काबिलियत तारीफ गेंदबाजी कर चुके हैं देखना होगा इस बड़े मुकाबले में क्या कर पाते हैं अपने ओवर की पहली गेंद लेकर सामना करेंगे किशन किशन के बल्ले से एक बड़े हिट्स के जरा था इसे भी चेक काफी अच्छी गेंद थी उसे हल्के हाथों से खेले उतने शानदार फेडिंग मनोज द्वारा सिर्फ एक रन मिलेगा और इसे एक रन के बदौलत स्कोर आगे बढ़ चुका है तीन रन दो विकेट के नुकसान पर काफी दो बड़ी सफलता हासिल कर लिया है दत्तेश ने काबिल तारीफ गेंदबाजी मानी जाएगी दत्तेश की जो कि उच्च कोट के दो बल्लेबाज को पेविलियन भेजने में वापस और अब स्ट्राइक पर है नए बल्लेबाज सजेल जो कि बड़े बड़े हिट्स लगाने में माहिर और इस बार लो फुलटस गेंद को खेल दिया मेडॉन की तरफ वहां पर सचित द्वारा काफी अच्छी फील्डिंग सिर्फ एक रन से संतोष और इसे एक रन के बदौलत स्कोर आगे बढ़ चुका है चार रन दो विकेट के नुकसान पर अबे बड़े हिट के दरकाज में बल्लेबाज और किशन ने उसे सीधा सीधा खेल दिया है सिमारे का पार और बल्ले का मुंह खेलकर उसे भेज दिया है सिमारे का पार रनों के लिए किशन द्वारा एक क्लासिक शॉट के साथ उनका टीम का स्कोर आगे बढ़ चुका है दस रन दो विकेट के नुकसान पर इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है किशन की बल्ले से अगर एक उच्च कोट का स्कोर खड़ा करना चाहते हैं शुगाम योद्धा के सामने और इस बार ये लाइन गेंद और उतना ही शानदार कैच हुआ पर एक हाथों से रुपेश तो है अब कैच था फिर भी उसे पकड़ लिया है रुपेश ने काफी तारीफ कैच और एक गेंदबाजी और इसी के साथ तीसरा बड़ा झटका लगता हुआ मथुरा फार्म्स को किशन के रूप में सबसे बड़ा धक्का माना होगा यहां पर इसी बीच स्कोर हो चुका है सिर्फ दस रन दूसरा ओवर प्रगति पर और अब किशन का स्थान ग्रंथ करने के लिए आए हैं नए बल्लेबाज वहां पर तेजस यहाँ पर जो मैं फिर एक बार याद करना चाहूंगा नवीन नाइक ने जो प्राइज रखा है हैट्रिक विकेट या हैट्रिक छक्के के लिए सौ हजारों रुपए का इनाम एक हजार रुपए का इनाम और इससे बीच तेजस पहली बार स्ट्राइक पर मौजूद और इसी बीच काफी अच्छी लाइन पर डाली हुई गेंद को समझ नहीं पाए बल्लेबाज और पूरी तरह से बेट काफी अच्छा कम बैक पर रुपेश द्वारा पूरी तरह से बांध के रखा है बल्लेबाज को वहां पर शुगाम योद्धा के गेंदबाजों ने स्कोर है वही रुका हुआ दस रन अपने अगली गेंद लेकर रुपेश सामना करेंगे तेजस और इस बार लो फुलट गेंद को साइड घुमा दिया है और एक गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार क्रैकिंग चौका निकलता हुआ तेजस के बल्ले से और इसे चार रनों के बदला स्कोर आगे बढ़ चुका है इसे चार रनों के बदला स्कोर आगे बढ़ चुका है चौदह रन दो ओवर के बाद कुल मिलाकर स्कोर है रन। उनके तीन बल्लेबाज में वापस जा चुके हैं। फिर वे संजील अपने खंदों पर इतना काबिलियत रखते हैं पिछली बार जो कि तीन गेंदों में तीन चक्के मारकर ड्रॉ करा दिया था वहां पर उस तरह के बल्लेबाज एक खतरनाक बल्लेबाज स्ट्राइक पर मौजूद सजील आज अगर दिखाना है तो आज उनको अपना कमाल दिखाना होगा बाद में वक्त नहीं है आखिरी छह गंदे उनके सामने हो भी डालेंगे मनोज एक बाय हाथ के गेंदबाज जिनके अलग ही बॉलिंग एक्शन से जाने जाते हैं मनोज इसे बीच दो के बाद स्कोर है रन तीन बहुमल्य विकेट गवाकर और इसी बीच स्ट्राइक पर है संजेल बड़े बड़े हिट्स की जरूरत इच्छे गेंदों में अगर एक काफी बड़ा लक्ष्य खड़ा करना है तो बड़े बड़े हिट की दरखास्त सामना करेंगे मनोज़ एक कट के गेंदबाज मनोजा और सजिल ने उसे खेल दिया उधर फील्डर मौजूद एक रन तो आसानी से पूरा कर लिया सिर्फ एक ही रन से संतोष होने वाले बाज और कल होने लगा स्कोर हो गए पंद्रह रन और इसी बीच मनोज की आखिरी पांच गेंदे बाकी है स्ट्राइक पर खेलेंगे तेजस सिर्फ बड़े हिट की तलाश में रहेंगे दोनों बल्लेबाज और उनको खामोश रखने के लिए तैयारी करके आए हैं मनोज सामना करेंगे तेजस इसी बीच थोड़ी सी दिशा में बटके गेंदबाज और अंपायर का इशारा वाइड और इसी एक रन के बदल स्कोर आगे बढ़ चुका है सोलह रन अब यहां पर तो मनोज क्या कम बैक करवाएंगे तेजस के सामने इसी बीच एक डॉट गेंद निकालने में कामयाब बैट और गेंद में कोई संपर्क नहीं गेंद जाती हुई सीधे विकेट कीपर के दस में और स्कोर वही का वही रुका हुआ सोलह रन विकेट क्या सारे इसी बीच मनोज अपने और के अगली गेंद कर, सामना करेंगे तेजस और इसी बीच तेजस ने घुमा दिया लेग साइड की तरफ उधर फील्डर मौजूद एक आसान सा कैच था उसे गवा दिया एक रन तो आसानी से पूरा किया रन के लिए भागे दूसरा रन भी आसानी से पूरा और इसी दो रन के बदौलत स्कोर आगे बढ़ चुका है अठारह रन 10 विकेट के नुकसान काफी अच्छी गेंदबाजी मानी जाएगी वहां पर योद्धा द्वारा स्ट्राइक पर तेजस और एक बार फुलटस गेंद उसे स्ट्रेट की तरफ खेल दिया है साजिद जो कि कभी गेंद को ना छोड़ेगे लपक लिया वहां पर सिर्फ एक रन मिलेगा और इसी एक रन के बदौलत स्कोर आगे बढ़ चुका है 19 अगली गेंद लेकर मनोज करेंगे संजय बड़े हिट के तरक में संजय स्ट्राइक पर मौजूद और उस फुलटस गेंद का उतना फायदा नहीं उठा पाए है उसे लेग साइड तरफ खेल तो दिया है एक रन तो आसानी से पूरा किया दूसरा रन भी आसानी से पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच और इसी दो रन के बदौलत स्कोर आगे बढ़ चुका है ट्वेंटी वन अभी भी एक बड़ा हिट और अच्छा लक्ष्य खड़ा कर सकते हैं वहां पर मथुरा फॉम्स क्योंकि उनके गेंदबाजी भी उतनी काबिलियत तारीफ है और फिर भी जितने काबिलियत तारीफ गेंदबाजी आज यहाँ पर ततेश ने किया इस मैच में कितने भी तारीफ की तो कम हो जाएगी दो बहुमल्य विकेट निकालकर सिर्फ दो रन दिए है दत्तेश ने कामयाब बल्लेबाज को और एक रन तो आसानी से पूरा किया दूसरा रन के लिए भागे है मिसअंडरस्टैंडिंग और यहां पर दूसरा रन भी आसानी से पूरा किया और यहाँ पर अंपायर का इशारा है दो रनों का एक, एक रन या दो रन दो दोन के दो, दो रन का इशारा यहां पर अंपायर द्वारा और इसी दो रन के बदौलत स्कोर आगे बढ़ चुका है इस इनिंग्स की समाप्ति के बाद ट्वेंटी थ्री रन और यहां पर शुगाम योद्धा को यह मैच जितने के लिए अठारह गे दो में चौबीस रनों की जरूरत Hello 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 और इसी बीच जो कि अगला मुकाबला खेला जाएगा दम्बाब रॉयल्स वर्सेस रामनाथ दामोदर के बीच मैं दोनों टीमों के कप्तान से गुजारिश करता हूं जितनी जल्दी हो सके टॉस के लिए यहां पर आए कॉमेंट्री बॉक्स में दम्बाब रॉयल्स के कप्तान और रामनाथ दामोदर टीम के कप्तान दोनों टीमों के कप्तान यहाँ पर कॉमेंट्री बॉक्स में आए टॉस के लिए और यहाँ पर मथुरा फम्स टीम के कप्तान से गुजारिश करता हूँ जितनी जल्दी हो सके क्षेत्र रक्षा की सजावट करे एक, आ, एक बड़ा मुकाबला होने वाला है जो कि अठारह गेंदों में चौबीस रनों की जरूरत है क्या पहला ओवर टर्निंग पॉइंट लाएगा या पहले ही दो बल्लेबाज गेम को हिला डालेंगे आने वाला वक्त ही बताएगा क्योंकि उतने ही उच्च कोट के बल्लेबाज मौजूद है वहां पर अशोका योद्धा टीम में और उतने ही उच्च कोट के गेंदबाज भी मौजूद है मथुरा फार्म्स के टीम में अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा इस मुकाबले में और जो भी जीतेगा इतना तो उम्मीद है कि जो जीतेगा वो पहुंचेगा सीधा फाइनल में और जितना जल्दी हो सके मैं मथुरा फॉर्म्स के कप्तान से गुजारिश करता हूं कि फील्डिंग की सजावट करें जल्दी से जल्दी पहले ही बहुत देर हो चुकी है और दम्बाब रॉयल्स के कप्तान और रामनाथ दामोदर के कप्तान को यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में आना होगा टॉस तो के लिए प्लीज दम्बाब रॉयल्स के कप्तान और रामनाथ दामोदर के कप्तान को और यहाँ पर दो सलामी ओपनर बल्लेबाज क्रीज पर उतर चुके हैं जितना जल्दी हो सके अंपायर के इशारे के बाद ये मैच शुरू किया जाएगा उच्च कोट के गेंदबाज भी तैयार संजेल और स्ट्राइक पर है खेलेंगे सचेत और नॉन स्ट्राइक पर रुपेश और अभी संजील जो कि पिछली बार हैट्रिक विकेट ले चुके हैं अभी गेंदबाजी में पहले एक गेंद को खेल दिया ऑफ साइड की तरफ उधर थोड़ी सी हल्की से मिस फील्डिंग लेकिन उतना अच्छा कवर और सिर्फ एक रन मिलेगा और इसी एक रन के साथ साजिद ने अपना खाता खोल लिया और टीम का भी स्कोर आगे बढ़ चुका है एक रन बिना कोई नुकसान अब एक कुछ कोट के डेंजर बल्लेबाज उनके टीम के एक मोवा अपने कंधे पर लेकर गेम चलाने वाले रुपेश ट्रैक पर मौजूद सामना करेंगे डेंजर गेंदबाज संजील को इसी बीच एक शॉट ऑफ पिच गेंद और एक कैच का मौका था पर बीच में गिरी गेंद कोई फिल्टर मौजूद नहीं एक रन तब तक चुना रिया दोनों बल्लेबाजों ने और इसी एक रन के बदौलत स्कोर आगे बढ़ चुका है दो रन काफी अच्छी शुरुआत कर रहे हैं और टॉस के लिए अभी तक नहीं आए हैं दम्बाब रॉयस के कप्तान और रामनाथ दामोदर टीम के कप्तान इस बार इस गेंद को थोड़ी सी हल्के गुमा कर उसे टॉस ऑफ करके इस डॉट निकालने में कामयाब हुआ पर संजेल दम्बाव रॉयस के कप्तान और रामनाथ दामोदर टीम के कप्तान जितनी जल्दी हो सके कमेंट्री बॉक्स में आना पड़ेगा टॉस के लिए पहले बहुत देर हो चुकी है दम्बाव रॉयस के कप्तान और रामनाथ दामोदर के कप्तान इसी बीच एक ऑफ पिच गेंद को साइड की तरफ खेल दिया है एक रन तो आसानी से पूरा कर लिया सिर्फ एक ही रन से संतोष दोनों बल्लेबाज काफी अच्छी गेंदबाजी अभी तक न पिताली गेंदबाजी तो संजील द्वारा पूरा बांध रखा है दोनों बल्लेबाजों को रुपेश बड़े हिट्स की तरकार में स्ट्राइक पर मौजूद सामना करेंगे संजील इसी बीच थोड़ी सी गुड लेंथ पर गेंद और उस गेंद को बेच दिया है सिमारे का पार और रुपेश के बल्ले से निकलता हुआ एक लंबा छक्का और इसी छक्के का बदौला स्कोर आगे बढ़ चुका है नौ रन बिना कोई नुकसान रुपेश ऐसे खिलाड़ी पहले ही कहा था जिसके बल्ले पर एक बार गेंद आई तो जाती है सिमारे का पार इस बार एल के की अफील वापर अंपायर पर कोई असर नहीं और यहाँ पर टॉस तो जरा साइड में जाके की गई इसी बीच एक ओवर के बाद कुल मिलाकर स्कोर है नौ रन बिना कोई नुकसान काफी अच्छी शुरुआत मानी जाएगी दोनों बल्लेबाजों के बीच फिर वे बचे हुए बारह गेंदों में पंद्रह रनों की जरूरत और इसी बीच जो कि रामनाथ दामोदर और दमबाब ब्रॉयस का जो टॉस हुआ था उसमें रामनाथ दामोदर ने टॉस तो जीत लिया है जितना जल्दी हो सके उनका निर्णय उनको बताना होगा और इसी बीच मथुरा फार्म्स के कप्तान से मैं गुजारिश करता हूँ इतना टाइम ना निकाले और जल्दी से जल्दी गेंदबाज लाकर इस गेम को शुरुआत की जाए और इसी बीच पूरा दामोदरार और विश्वास के साथ अब गेंदबाजी मथुरा फार्म्स के टीम के कप्तान ने दी है कल्पेश को कल्पेश जो कि पहले मैच में डाला था आखिरी ओवर पिछले मैच में आखिरी ओवर इस बार उसका उसी फॉर्म में देखते हुए उसके ऊपर पूरा विश्वास रखकर उसे गेंदबाजी के लिए लाए है कल्पेश एक तेज गेंदबाज क्या उस रफ्तार को छुपाएंगे सचेत कल्पेश कुछ चकमा देने में कामयाब रहेंगे आने वाला वक्त ही बताएगा कल्पेश तो साचेत और एक फुल टस गेंद का चांस था उसका कुछ भी फायदा नहीं उठा पाए साचेत थोड़ी सी जोर से फेंकने की कोशिश कल्पेश द्वारा और दिशा में तो थोड़े भटके थे पर बल्लेबाज उसका कुछ भी फायदा नहीं उठा पाया और ए डॉट गेंद एक एक डॉट गेंद भी सोने गेंद जैसी मानी जाएगी उतना ही प्रेशर बढ़ते जाएगा बल्लेबाज के ऊपर और इसी बीच एक काफी अच्छी गेंद स्पेयर को लगकर झलकी सी साइड में जाते हुए और तब तक काफी अच्छे रनिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच एक रन तो आसानी से पूरा कर लिया इसी एक रन के बदौलत स्कोर है दस रन बिना कोई नुकसान और बचे हुए दस गेंदों में चौदह रनों की जरूरत काफी अच्छी गेंदबाजी अब तक मानी जाएगी नापित तो दोनों गेंदे डाली है वहां पर कल्पेश ने इस एक विकेट के तलाश में रहेंगे और रुपेश बड़े हिट्स की तलाश में रहेंगे क्या किस्मत और वक्त किसको साथ देगा या आने वाला वक्त ही बताएगा कल्पेश रुपेश जबरदस्त गेंदबाज जबरदस्त बल्लेबाज सामने सामने और इसी बीच रुपेश ने उठा दिया है और गेंद चली गई है सीमारे का पारे का लंबा चक्का निकलता हुआ रुपेश के बल्ले से और इस चक्के के बदौलत स्कोर आगे बढ़ चुका है सोलह रन बिना कोई नुकसान और बचे हुए नौ गेंदों में आठ रनों की जरूरत रुपेश की कितनी तारीफ की जाए कम है आसानी से उसे फ्लिक करके स्ट्रेट की तरफ छक्का लगा दिया रुपेश ने इसी बीच एक गेंद खेल दिया लेड की तरफ एक रन तो आसानी से पूरा किया सिर्फ एक ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज और इसे एक रन के बदौलत स्कोर आगे बढ़ चुका है सत्रह रन बिना कोई नुकसान पर सचेत जो कि नापितोली बल्लेबाजी कर रहे हैं, धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे हैं और रुपेश उसका फायदा उठाकर बड़े बड़े शॉट्स लगा रहे हैं इसी बीच एक ऑफ पिच गेंद और यहाँ पर एक शादार कैच माना जाएगा तेजस तौर पहला झटका लगता हुआ वहां पर शुगन योद्धा को थोड़ी सी गेम में तो जान आ चुकी है पर जब तक रुपेश खड़ा है तब तो तक कुछ कहा नहीं जा सकता और साजिद जो कि सबसे पहला बड़ा धक्का लगकर पेविलियर में वापस और अब उसका स्थान ग्रहण करने के लिए आए हैं नए बल्लेबाज बैट्समैन नेम बैट्समैन नेम और ए, गेंद और गेंद उसने एक रन तो आसानी से पूरा कर लेंगे काफी अच्छी गेंदबाजी आप तो मान लिया एक छक्का तो जरूर का पर उतना अच्छा कम बैक अभी स्कोर आगे बढ़ चुका है अठारह रन दो ओवर के बाद कुल मिलाकर स्कोर है अठारह रन बचे हुए छह गेंदों में छह रनों की जरूरत एक लंबा हिट और गेम खत्म रुपेश उसकी काबिलियत रखते हैं पर कुछ कहा नहीं जा सकता है है तो खेल है, क्रिकेट का कभी भी वक्त तो बदल सकता है अब गेंदबाजी में आए हैं गेंदबाज तेजस तेजस के कंधों पर पूरा दमोदर का कुछ हिस्सा ग्राउंड पर चमत्कार करके दिखला पाएंगे तेजस या रुपेश अपने पल्ले का एक ही धमाका दिखाकर इस मैच को अपने पलगांव वे ले लेंगे आने वाला वक्त ही बताएगा और और रामनाथ दामोदर टीम के कप्तान को अपना डिसीजन बताना होगा जो कि वो टॉस तो जीते अभी तक डिसीजन नहीं बताया उन लोगों ने और इसी बीच काफी अच्छी गेंद उसे हल्के हाथों से खेल दिया ऑफ साइड की तरफ उधर फील्डर मौजूद एक रन तो आसानी से पूरा कर लिया सिर्फ एक ही रन से संतोष इसी एक रन के बदौलत स्कोर आगे बढ़ चुका है उन्नीस रन पांच गेंदों में पांच रनों की जरूरत इसी बीच एक थोड़ी सी दिशाई गेंद और अंपायर हाथ फैलाने में मजबूर अंपायर का इशारा वाइड और एक अतिरिक्त रन और अभी बचे हुए पांच गेंदों में सिर्फ चार रनों की जरूरत बचे हुए पांच गेंदों में चार रनों की जरूरत इस बार थोड़े से घुमाकर मारना चाहते थे पर बैट और बॉल में कोई सर्व नहीं लेकिन लेग बाय की तरफ से एक रन जरूर मिलेगा और इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ चुका है ट्वेंटी वन रन और अभी बचे हुए चार गेंदों में तीन रनों की जरूरत शुगाम योद्धा के सभी लोग और दर्शक और टीम मेंबर्स वहाँ पर मौजूद है रोप लाइन पर एक जीत के लिए और एक नाच के लिए रेडी है वहां पर आने वाला वक्त ही बताएगा और इसी बीच एक शॉर्ट ऑफ पिच गेंद एक गलत शॉट और एक शानदार कैच अभी भी अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता इस गेम का किसका पंगा भारी रहेगा छोटा सा लक्ष्य था पर उतने शानदार गेंदबाजी गेंदबाजों द्वारा मुझे तीन गेंदों में तीन रनों की जरूरत है।, है, है अभी एक एक रनों की गिनती की जाएगी अभी जो कि बल्लेबाजी पर खेलेंगे प्रणाप और नॉन स्ट्राइक पर दत्तेश दत्तेश जो की काबिल तारीफ गेंदबाजी कर चुके हैं अभी यह है तो खेल है सिर्फ दिमाग का क्या बल्लेबाज अपना दिमाग लगा पाएगा या गेंदबाज चकमा दे देगा या आने वाला वक्त ही बताएगा पर कुछ भी होने दे एक फाइटिंग मुकाबला जैसा खड़ा कर मथुरा फॉम से इस मैच को अब क्या उस मैच को और भी रोमांचक बनाएंगे तीन गेंदों में तीन गेंदों में तीन रनों की जरूरत काफी अच्छे क्षेत्र रक्षण की सजावट और इस बार ये बैड लक भी माना जाएगा गेंदबाज द्वारा इतनी अच्छी गेंद गें थी और एक रन तो आसानी से पूरा किया गलत थ्रो की वजह से और एक रन भी दे दिया कुल मिलाकर दो रन आसानी से पूरे कर लिए गेम हो गया टाई यहाँ पर गेंदबाज की कोई गलती नहीं थी इसमें काफी अच्छी गेंद थी डोस ने तो बीट किया था पर पूरा खेली बिगाड़ दिया पीछे की तरफ से और दो रन चुरा लिए तब तक दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ एक रन से दूर अपने इस फाइनल के रस्ते को हाथ लगाने के लिए सिर्फ एक रन से दूर एक बड़ा हिट लगाएंगे या चतुरी के साथ खेलेंगे बल्लेबाज ये आने वाला वक्त ही बताएगा तेजस भी कुछ कम नहीं अभी तक उम्मीदें ना छोड़कर तेजस गेंदबाजी में अब तक मौजूद क्षेत्र रक्षण में काफी एक से बढ़कर एक सजावट हो रही है अभी तक खे तो खेल है खेल छोड़ना नहीं चाहते मथुरा फार्म जितना जल्दी हो सके इस गेंद को डालना होगा तेजस को और तेजस अपने ओवर की अगली गेंद लेकर दो गेंदे एक रन और हल्के हाथों से खेल दिया है और एक खराब बाई की तरफ से बाई की तरफ से एक तो मिल गया और इसी के साथ एक सबसे बड़ा रास्ता कैद कर लिया वहां पर योद्धा ने एक काफी लिए तारीफ मानी जाएगी उनके टीम द्वारा काफी अच्छा एफर्ट उन लोगों ने किया है एक सबसे बड़ी जीत सबसे बड़ी टीम को हार का मुंह देखना पड़ा यहाँ पर दतेश जो कि कितने काबिलियत तारीफ गेंदबाजी की थी इस मैच में जितनी तारीफ की जाए कम है और यहां पर इस मैच को जीतकर फाइनल में तो अपना रास्ता बनाने का तो बना ही लिया है वहां पर योद्धा ने <coughs> कोंकण मराठा प्रीमियर लीग 2022 के सीजन वन का स्पॉन्सर और वेलविशर्स ने काफी मदद की है हम इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए तो कुछ नाम मैं लेना चाहूंगा विनायक एस सावंत श्रीधर राणे सदानंद नायक, शिवराय एगल राजेंद्र नायक, प्रशांत नायक, गुरुदास नायक, ए इंडस्ट्रीज हरीश चंद्र गावकर प्रभाकर नायक, संजय नायक, विनोद कदम नारायण सावंत श्रीपाद नायक, दयानंद देसाई दीपक राणे सर्वानंद राणे सदानंद गाँवकर विठोबा शेठ दामबाब रॉयस फैमिली दत्तात्रेय श्री रामनाथ प्रसन्न बैरे महेश देसाई ज्यस्ट लॉजिस्टिक पंजीम सुमित पिकले इंडस्ट्रीज गोवा इंडस्ट्रियल पैकेजिंग संभव क्रिएशन नाजरीन बासमती राइस मंजुनाथ नायक साई प्रसाद संतोष वी गांवकर, दिनेश नायक, गिरीश नायक, दीपक नायक, देसाई किचन बेसिक्स सुमित्रा पिकल्स एन एन सावंत सूरज पवार फ्रंट पैकेजिंग रो रोशन कदम सिद्धार्थ रत्नाकर सावंत और प्रदीप राणे इसी तरह स्टॉल डिटेल्स भी हम देना चाहेंगे के एम एस सी ए वास्को लेडीज ग्रुप को और जीनी ब्रांड एस एस ब्रिवरेज श्याम सावंत देवल कारवार फाइन आंस क्रिप्टो करेंसी एंड फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट करियर काउंसलिंग और मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी एंड कैश प्राइज ऑर्गेनाइज किया है नाजीन बासमती राइस स्पॉन्सर बाय संजय नाइक हम तेह दिल से शुक्रिया अदा करते हैं पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और सभी दर्शकों का जिन्होंने यहां पर आके अपना जो भी योगदान देना है दिया है इस तरह आज का आखिरी लीग मैच इसके बाद मेगा फाइनल होना भी बाकी है तो बने रहिए हमारे साथ रामनाथ दामोदर से दामबाब रॉयस के बीच है आखिरी मुकाबला फिलहाल गेंदबाजी पर पह, पहली गेंद मैं दत्तेश को कॉमेंट्री बॉक्स में बुलाना चाहूंगा जिनको मैन ऑफ द मैच का किताब दिया जा रहा है पिछले मैच में जिन्होंने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया था दत्तेश और काफी ऊंची उठी है देख रहा होगा विकेट कीपर इसके नीचे लेकिन जब तक फील्डर और उठाते एक रन पूरा किया टीम का कुल स्कोर है एक रन बॉलर नेम बॉलर नेम बॉलर नेम, बॉला नेम अंपायर का इशारा अतिरिक्त रन यानी कि वाइड इस एक अतिरिक्त रन के, के साथ टीम का कुल स्कोर है दो रन और नाइक इज द मैन ऑफ द मैच ऑफ द लास्ट मैच प्लीज कम पोडियम फिर एक बार बेहतरीन दिल स्कूप यहां पर नागराज के बल्ले से निकलता हुआ चौका का आई रिक्वेस्ट रोशन नाइक एंड सिद्धार्थ सावंत टू प्रेजेंट दिस मैन ऑफ द मैच आई रन रोशन, रोशन नाइक एंड सिद्धार्थ सावंत ए पहला हुआ प्रेजेंटेशन पार्टी प्लीज संजय अपने और क्या अगली गेंद लेकर नागराज के लिए फिर एक बार उसी प्रकार की फाइन खेल दिए वहां पर लेकिन खिलाड़ी तैनात वहां पर इस एक रन के साथ टीम का कुल स्कोर है सात रन पहला प्रगति पर ये आज का आखिरी लीग मैच फिर एक बार तैयार गेंदबाज बेहतरीन शॉट। क्या मैसिव हिट है ये। इस शॉट की गूंज बहुत देर तक सुनाई देगी गेंदबाज को एकदम स्लॉट में थी